अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस गाड़ी की रिव्यू है वो है मज़दा अल्टो 2015 मॉडल है। फुल ऑप्शन में है गाड़ी, सिल्वर कलर में है। गाड़ी में कोई डेंट पेंट शेंट कुछ भी नहीं है। जिसकी रिव्यू करेंगे आज, ये देखते हैं गाड़ी को कि गाड़ी किस कंडीशन में है। ये गाड़ी के लेफ्ट साइड देख सकते हैं आप लोग, कोई डेंट पेंट कुछ भी नहीं है। ये इसकी बैक साइड वाइपर भी लगा हुआ है, मज़दा एडिशन में है, आल्टो 2015 मॉडल। ये इसकी राइट साइड है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी इसका रूफ। रिट्रैक्टेबल मिरर्स है, बड़े वाले शीशे जो है इसमें। ये भी जापानी मेड ही है मगर मज़दा है। रडार लगा हुआ है इसमें और इसकी की लॉक ऑन लॉक इससे होती है मज़दा। टायर भी काफ़ी अच्छे टायर लगे हुए, इसकी फ्रंट साइड देखते हैं कि फ्रंट से किस तरह है गाड़ी। ये थोड़ा सा एक लाइन लगा हुआ है इसमें, ये देख ले, और ये भी अपने रंग में है मगर थोड़ा सा स्क्रैच है इस पर। ये इसका फ्रंट इंजन वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में है, अच्छी कंडीशन में है गाड़ी। इसके डोर कोई ताइवानी सामान नहीं लगा इसमें। एम्पलीफायर भी लगा हुआ है पीछे, डिग्गी भी मुकम्मल होके है, फ्रेश बिल्कुल न्यू। और इसमें एम्पलीफायर की सेटिंग भी की गई है, ये भी काफ़ी महंगी है। और हेडरेस्ट के लिए ये भी लगे हुए, फुल ऑप्शन में ये भी आता है, एक वाइपर आता है, रडार सिस्टम वगैरह। इसका इंटरनल रूम ज़बरदस्त हालत में है, सीट्स देख सकते हैं आप लोग, ये एडजस्टेबल सीट्स भी लगे हुए इसमें। और पीछे वाली सीट्स तो इसकी काफ़ी खुली होती है, बिल्कुल खुली, ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी फासला है ऊपर और साइड्स पे भी, काफ़ी खुली गाड़ी है। इसका इंजन बिल्कुल 0 मीटर की तरह है, बिल्कुल साफ सुथरा। एडल स्टॉप भी काम करता है, इंजन स्टॉप जो है ये देख सकते हैं आप लोग, अभी किया भी है एडल स्टॉप, थोड़ी सी मैंने चलाई है बस, सिर्फ थोड़ी सी आगे की है इंजन स्टॉप इसका काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ये देख ले इंजन स्टॉप जो है ना बिल्कुल ओके है। छोटी गाड़ी लोग इसे इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसकी फ्यूल कंजम्पशन जो है ना बिल्कुल नील के बराबर है। इस साइड पे भी एयर बैग और शीशा लगा होता है ना, ड्राइवर साइड पे और पैसेंजर साइड दोनों पे। हीटर भी स्टार्ट है इस पे और एसी भी स्टार्ट है, बिल्कुल ओके है। एसी भी स्टार्ट है और हीटर भी, ये तकरीबन निकालती है, एवरेज निकालती है 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 22, 23, 24 किलोमीटर तक पहुंच जाती है ये। और ये चली है 1,12,000, 1,12,000 चली है गाड़ी। इसकी एवरेज बड़ी ज़बरदस्त होती है, इस लिहाज से काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको। ये लगेज स्क्रीन के लिए मेरे ख्याल से, हाँ ये यूएसबी के लिए स्क्रीन के साथ लगी हुई है, इसको भी ट्राई करते हैं क्योंकि इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है तो इसकी साउंड सिस्टम
इतनी हाई है कि बस पूछे मत। देखते हैं इसके सांकों के किस तरह इसकी आवाज आती है। यूएसबी पे लाते हैं इसको। अच्छा ये बटन लगा हुआ है, ये बटन किसी ने लगाया एम्पलीफायर के लिए ऑन ऑफ के लिए, तो ये ऑन कर दें। अब इसके साउंड तो इतना लाउड है कि कोई दूसरे बंदे की बात ही नहीं सुन सकता, इतना हाई वॉल्यूम है इसका। गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, नीट क्लीन गाड़ी है। प्राइस डिमांड इसकी है 12,20,000 इसकी प्राइस डिमांड हम कर रहे हैं। थोड़ी सी गुंजाइश इसमें होगी। गाड़ी साफ़ सुथरी है, टायर के लिहाज से, इंजन, गियर, सस्पेंशन सब चीज़ों के लिहाज से ओके है गाड़ी में, कोई बात नहीं है। और जो भी गाड़ी देखना चाहे तो विज़िट कर सकते हैं सात मोटर शोरूम जो कि थाना बाईपास रोड पे है। और दूसरी बात ये कि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और 660 सीसी में है। 660 सीसी गाड़ी है, नॉन कस्टम पेड, 12,20,000 इसकी डिमांड है। और टायर वगैरह सब कुछ अच्छी है। और जो भी बंदा रब्ता करना चाहिए या विज़िट करना चाहे तो हमारे शोरूम पे भी आ सकते हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारा है तो हमसे रब्ता भी कर सकते। अल्लाह हाफिज़।